राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर महानगर में स्थित एकवीरा माता मंदिर में जाकर साफ सफाई की। इस मौके पर भाजपा के अन्य पदाधिकारी एवं नागरिक उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं इस स्वच्छता मुहिम के संबंध में पालक मंत्री ने क्या कहा। बाईस जनवरी को अयोध्या पावन नगरी में दाता प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसी पार्श्वभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से संपूर्ण देश में स्थित मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इस समय चंद्रपुर नगरी भी राममय हो चुकी है, जहां एक और एक साथ बड़े पैमाने पर चांदा क्लब में दीपों का महायज्ञ करते हुए सियावर प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय इस नाम को लेकर दिए जलाएंगे तथा चंद्रपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं इसी पार्श्वभूमि पर राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने महानगर में स्थित आदिशक्ति एकवीरा माता मंदिर में जाकर साफ सफाई अभियान चलाया और उन्होंने विधिवत इस पूरे मंदिर की सफाई की। इस मौके पर आम नागरिकों के साथ भाजपा के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे और यह साफ सफाई मुहिम काफी समय तक चली। वहीं इस संदर्भ में पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हें जीवानी। मंदिर हे आमच्यासाठी फक्त श्रद्धास्थान नहीं तो एक ऊर्जास्थान है, एक शक्तिस्थान है। जीवनामध्ये साऱ्या चिंतावर मात करण्याची कोणतं जागा असेल, स्थान असेल, तर ते मंदिर आहे। आणि या निमित्ताने हे प्रतीकात्मक एक संदेश दिला की ज्या माध्यमातून समाजातल्या सर्वांनी एकत्र येऊन मंदिरं स्वच्छ ठेवावीत, मंदिर स्वच्छ राहावीत, ज्या देवाला आपण हृदयामध्ये त्याचं स्थान आपण व्हावं याचा प्रयत्न करतो, त्या ईश्वराच्या सान्निध्यात स्वच्छता असावी या दृष्टीने हा संदेश दिला। आम्ही जिल्ह्याचा एक प्लॅन तयार केला आहे, आज त्याची सुरुवात साधारणतः आपण करतो आहे। माँ एकवीरा मातेचं दर्शन घेऊन या मंदिरात ट्रस्टचे टीटीव्ही के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव व्यारकर की रिपोर्ट।